जी हेलो, क्या हाल है, कैसे ठीक ठाक के अच्छे हैं जी। और ये जो वीडियो है जी, बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम खड़े हैं पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर। ठीक है जी, तो ये है जी पाकिस्तान एम्बेसी। तो ये जी दोस्त आए हैं, मेरे बनाना था पासपोर्ट। तो पासपोर्ट कैसे बनता है, क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, अंदर से भी आपको बताता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान एम्बेसी, और मेरे साथ रहिएगा। अभी हम खड़े हैं जी पाकिस्तान एम्बेसी के फ्रंट पे, और आप देख सकते हैं ये आगे रोड है, और ऐसे लोग भी खड़े हैं जो कि अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। किसी ने टोकन लेना है, किसी ने टोकन ले लिया है, कोई बात अपने दोस्तों का वेट कर रहे, किसी का दोस्त अंदर है। सो ये आप देख सकते हैं कि रोड पे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है, और ये है जी पाकिस्तान एम्बेसी का गेट है जो, और ये रोड है उसके सामने। और ये सामने अगर मैं जूम करके आपको बताऊं तो सामने ये KLCC टावर है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, और मौसम भी बहुत अच्छा मौसम है। तो ये पाकिस्तान एम्बेसी का ये वाला गेट है, जिस इस गेट पाकिस्तान एम्बेसी के दो गेट है, एक फ्रंट का गेट है और एक सेकंड गेट है। और ये जी अभी हम बैठ गए हैं समोसे खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जिधर पाकिस्तानी होंगे उधर पाकिस्तानी चाय भी मिलेगी और पाकिस्तानी टाइप समोसा भी यहाँ पे मिलेगा। और ये जी हम बैठ गए हैं समोसा खाने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का समोसा है, और हमारे सामने आप देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे समोसा मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी था, वो समोसे बेच रहा था और साथ वो चाय भी बेच रहा था। और अभी हम आ गए हैं जी अंदर इंटर, देख सकते हैं आप कि कितने ही लोग बैठे हैं, कितने ही रश है। किसी ने पासपोर्ट बनाना है, किसी ने पासपोर्ट रिन्यू कराना है, और किसी का गुमा हुआ है पासपोर्ट, किसी ने वो बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो बैठे हैं ना जी, इसको मैं तकरीबन 2018 से इस बंदे को देख रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त बंदा है ये, अच्छे अखलाक का बंदा है। और अभी हमारा नंबर आएगा, बहुत दूर है हमारा नंबर, सो चलें वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, आप हमारे साथ रहिएगा। और ये देख सकते हैं आप, अभी भी लाइन लगी है अंदर, आपने लोग देखे कितने लोग बैठे हैं, और ये बाहर भी आप देख लें कितने लोग खड़े हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला रूम, ये आईडी कार्ड का रूम है। किसी ने नादरा का आईडी कार्ड बनाना है पाकिस्तान के, किसी का गुम गया या किसी का एक्सपायर हो गया, तो वो यहाँ से आके अपना ईजी से नादरा का बना सकते हैं। और ये जो लोग जो देख रहे हैं, जो लाइन खड़ी है, ये यहाँ से टोकन लेते हैं। और ये जी पाकिस्तान एम्बेसी का ऑफिस है, ये वो वाली जगह है जहाँ पे 14 अगस्त को या ऐसे फंक्शन जहाँ पे होते हैं, जैसे 14 अगस्त आ गया या पाकिस्तान कोई और ऐसे कोई फंक्शन हो गया जैसे ईद पे, तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगते हैं। तो जी आपने देखा कि हम कैसे अंदर गए और कितने लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश थी। और जी बस वो पासपोर्ट दे दिए रिन्यूअल के लिए भाई ने, और अभी वो आ जाएगा। कितने दिन के बाद आएगा, क्या टाइम लिखा है उधर? 6 सितंबर। 6 सितंबर को ना। तो कितनी फ़ीस थी सर, पाकिस्तानी कितनी फ़ीस बनती है तकरीबन? के 7000। 7000 रुपये जी पाकिस्तानी बनते हैं, पाकिस्तानी 7000 बनते हैं पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि इनका पासपोर्ट था जो वो एक्सपायर हो रहा था, उसकी जो डेट थी। तो अभी जा रहे हैं, भाई को मैंने बोला है चले मैं आपको सामने घुमाता हूँ, और भाई आएंगे जी। भाई आए हैं जोहर बारू से, और जोहर बारू जो है वो सिंगापुर के साथ वाला सिटी है जोहर बारू, तो वहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा चलें आपको, मैं आपको ट्विन टावर लेके जाता हूँ, उधर घुमाता हूँ, घर जाके जाएंगे, बस बात करता हूँ। एंड 3D स्क्रीन ऑल्सो। हाँ, तो अभी चले जाएंगे जी, तो आप हमारे साथ रहिएगा, ऐसे हमारी वीडियो में देखिएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घर बिल्कुल नहीं जाइएगा।
और हमारे साथ रहिएगा। तो मुझे अभी भूख भी लगी हुई है, तो मैंने कहा चलो ये सामने रेस्टोरेंट है, पाकिस्तान एम्बेसी के सामने बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट होता है, इसमें बहुत रश होती है। तो अभी हम आए हैं जी रेस्टोरेंट के अंदर, आप देख सकते हैं लाइन कैसे लगी है, कितनी दूर तक लाइन पहुँची हुई है और कितने लोग हैं जो कि, और ये जो सामने काउंटर है जी इधर फूड सेल हो रहा है, यहाँ से फूड लेना और आप देख सकते हैं इधर लोग बैठते हैं। तो खाना आ गया जी टेबल पे, तो अभी खाना खा के फिर निकलेंगे। अभी जी रोड क्रॉस करने, और रोड क्रॉस करके ये सामने जो आप देख रहे हैं KLCC टावर, हमने यहाँ पे जाना है अभी। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे आप देखिएगा, मैं आपको KLCC के अंदर भी जो शॉपिंग मॉल है वहाँ पर भी लेके जाऊँगा और घूमेंगे और आपको बताएँगे मलेशिया। तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड आप देखिएगा, माय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो जी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और मेरे साथ रहिएगा और नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।